कोई कार्य किसी ने किया है, जैसे आप आपको कहा है कि 50 जने आ रहे हैं और आपको आधे घंटे में खाना बनाना है, तो आप घर में क्या करते हो, क्या खाना बनाते हो आधे घंटे में? आप क्या बनाते हो? रायता बनाओ, पूरी का जल्दी बन जाता है, आटा गूंदो, पूरी बना लो 50 और इन्होंने सब बंदी दाल वापरे लड्डू खाने के लिए अब समझ नहीं पड़ रही जाना तो इसलिए ये उदाहरण के लिए इसलिए दिया है कि आपको ये पता है कि आपको कितना समय मिल रहा है, ये सबके लिए कि आपको यदि एक घंटा मिला है तो आपको टॉपिक एक घंटे में आपको कैसे पढ़ाना है वो आपको क्लास में करना है, आपको वही टॉपिक यदि आधे घंटे में खत्म करना है तो आपको क्लास में करना है, और वही टॉपिक यदि आपको 5 मिनट में खत्म करना है तो आपको क्लास में करना है। लेकिन इस प्लान में ये होना चाहिए कि जो हमारे मुख्य बिंदु है उद्देश्य दिवस की तैयारी दिन की गतिविधि और फॉलोअप वो हमारा हो जाना चाहिए, इन तीनों ने फॉलोअप किया ही नहीं, तो क्या फॉलोअप नहीं किया तो फिर हमारा अभियान दिवस सक्सेस रहेगा क्या? तो समराइजेशन मतलब हमने क्या सीखा ये हमको जानना जरूरी है कि लोगों ने क्या सीखा, आपने तो बोल दिया लेकिन लोगों से आपने क्या सीखा, ये मतलब लोगों ने क्या सीखा ये हमको पता ही नहीं है एक बार। दूसरी बात ये है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मॉड्यूल पढ़ाई क्या हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं, मॉड्यूल खूब पढ़ रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को व्यस्त कर देंगे कि आप पढ़ो तो वो उनका सारा दिमाग उसमें लग जाएगा, वो हमें नहीं पढ़ना है, आप गलत फहमी में, मॉड्यूल का उपयोग किसके लिए है? पार्टिसिपेंट के लिए, आप और मैं फिर कह रहा हूँ आपको मॉड्यूल लेने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग उनसे पढ़िए और उसको एलिबरेट करिए, क्योंकि सब जानते हैं क्या लिखा हुआ है, वो भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, उसको थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना है, तो आप मॉड्यूल खुद का पढ़िए, आप जैसे बार बार लोग खुद पढ़ेंगे ना तो उनके मन में शंका आएगी कि मैडम को कुछ आता नहीं है, हमें आता है पर हमें ऐसा प्रदर्शित नहीं करना है, तो हमें लोगों को ये बताना है कि आप मॉड्यूल पढ़िए हम आपको समझाएं, ठीक है? बाकी थोड़ा सा और सुधार की आवश्यकता है, व्यक्तिगत रूप से वो कोई बड़े नहीं है, आपको खुद को पता है कि हमें कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है ना, जो टेक्निकल रूप से बता रहा था कि एक तो बुक का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से करें, समराइजेशन करना बहुत जरूरी है किसी भी टॉपिक को, और दूसरा ये कि उद्देश्य जरूरी है, उद्देश्य बताना, दिन की गतिविधि की तैयारी बताना, क्या गतिविधि कर रहे हैं वो कराना, और फॉलो क्या करना, ये चीजें हर बार आपको कॉमन बता रहा हूँ, ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है।